बहुत बड़ी बात है आर्टिस्ट के लिए, लेकिन एक पार्ट टू बनना ये हिंदुस्तान के किसी आइकॉनिक फिल्म के साथ नहीं हुआ है। सो ही गाइस, गद्दर 2 को लेकर अमीषा पटेल ने बोल दी कुछ ऐसी बात जिसे सुनने के बाद आप भी शॉक हो जाओगे। दोस्तों आपको पता होगा कि अभी के टाइम में सोशल मीडिया पर हर जगह गद्दर 2 ही चल रहा है और इसी के चलते सनी देओल और अमीषा पटेल काफी ज्यादा चर्चाओं में और गद्दर 2 को लेकर हर दिन इनके कई तरह के इंटरव्यू होते। सो हाल ही में आज ही अमीषा पटेल का एक इंटरव्यू लिया गया जिसमें गद्दर 2 को लेकर उनको काफी ज्यादा सवाल पूछे गए। सो आइए हम इस वीडियो में बात करते हैं कि आखिर उनको क्या क्या पूछा गया। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अमीषा पटेल ने इस वीडियो में गद्दर 2 की रिलीज डेट भी बताई, इसके अलावा गद्दर 2 के बारे में ऐसी ऐसी बातें बोली जिसे सुनने के बाद आप भी शॉक हो जाओगे। इनके अलावा बायकॉट ट्रेंड पर भी अमीषा पटेल ने अपना ओपिनियन दिया है। खैर सबसे पहले हम बात करते हैं बायकॉट ट्रेंड पर। सो इंटरव्यू में जब अमीषा पटेल को पूछा गया कि भाई अभी के टाइम में बॉलीवुड की फिल्में काफी ज्यादा बायकॉट हो रही है, बायकॉट ट्रेंड रुकने का नाम नहीं ले रहा है, सो इस पर आपकी क्या राय? मैं आपको बता दूं कि इन्होंने भी वही बोला जो लाइगर के प्रमोशन पर विजय देवरकोंडा ने बोला था कि ऐसा लोगों को नहीं करना चाहिए। एक फिल्म की वजह से कई लोगों के घर चलते हैं, एक फिल्म से हीरो कोई नहीं बल्कि बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलता है। चलिए मैं आपको उनकी थोड़ी सी क्लिप दिखा देता हूं। यू नो बॉयकॉट बॉलीवुड जो होता है, आप एक एक्टर को लेके इतना खुन्नस निकालते हैं ऑडियंस, लेकिन आप ये नहीं सोचते कि एक फिल्म के पीछे कितने लोगों की मेहनत और कितने घर चलते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं फिल्म की रिलीज डेट की। तो ये अमीषा पटेल ने खुद इंटरव्यू में बताया कि भाई ये फिल्म रिलीज कब हो रही है। तो आइए मैं आपको उसका भी एक छोटा सा क्लिप दिखा देता हूँ। अगले साल के फर्स्ट हाफ में, फर्स्ट 3-4 मंथ्स में रिलीज होगी। तो दोस्तों आपने देखा कि गद्दर 2 को अगले साल यानी 2023 में रिलीज किया जाएगा, वो भी 26 जनवरी को। अब इसके अलावा गद्दर 2 के बारे में इन्होंने बोला कि गद्दर 2 एक आइकॉनिक फिल्म है, क्योंकि दोस्तों आपने देखा होगा कि बहुत सारी फिल्मों के पार्ट 2 तो बन जाते हैं लेकिन उसमें सेम स्टार काफी मुश्किल से होते हैं। सो इन्हीं के बारे में अमीषा पटेल ने बोला ये दुनिया की दूसरी ऐसी फिल्म बनने जा रही है जिसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 के एक्टर बिल्कुल सेम, अब इसमें विलेन को छोड़कर, क्योंकि आपको पता होगा कि अमरीश पुरी जी इस दुनिया में नहीं रहे। सो इसी के चलते गद्दर 2 में दूसरा विलेन लिया गया है। वेल दोस्तों आपको गद्दर 2 के बारे में अमीषा पटेल का फुल इंटरव्यू देखना है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बाकी दोस्तों ऐसे ही फिल्मों के अपडेट और रिव्यू जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही पास वाली घंटी को भी दबा दीजिए ताकि हमारा वीडियो आते ही सबसे पहले आप लोग देख सके।